दीक्षित ज्वेलर्स की ओर से सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। देहरा थाना क्षेत्र के तहत एक युवती से 1,00,000 रुपए की ऑनलाइन ठगी हो गई। शिकायत मिलने के बाद और साइबर सेल की त्वरित कार्रवाई के कारण फिलहाल साइबर सेल ने राशि को होल्ड करवाकर 65,000 रुपए उसे वापस दिला दिए हैं। एएसपी कांगड़ा हितेश लखनपाल ने बताया कि ठगी का सबसे बड़ा कारण लालच है। हम लोग सोचते हैं कि रातों रात हम लोग अमीर बन जाएं और एक दूसरे को देखकर पैसे कमाने की होड़ लगी है, ऐसा नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि मेहनत करके ही पैसे कमाने चाहिए। जो देहरा विधानसभा में कल ही एक रिपोर्ट आई है जिसमें कि एक व्यक्ति जो लेडी है उन्होंने बताया कि उनके साथ 1,00,000 की ठगी हुई है, उसमें जो है पुलिस ने FIR रजिस्टर कर ली है और उसकी जांच चल रही है। सर, बार बार पुलिस की ओर से भी कैंप चलाए जाते हैं, फिर भी लोग अगर ठगी का शिकार होते हैं, क्या कारण मानते हैं और क्या मैसेज देते हैं? देखिए, सबसे मेन कारण तो हमारा लालच है। हम सोचते हैं कि रातों रात अमीर बन जाएं और जो एक दूसरे को देख के जो होड़ एक लगी है पैसा कमाने की, वो नहीं होनी चाहिए। मेहनत करके ही पैसा कमाना चाहिए, मुझे तो ये लगता है पर्सनली। साथ ही साथ ये जो साइबर फ्रॉड्स हैं और इस तरह के मल्टी लेवल मार्केटिंग फ्रॉड्स भी हैं, जैसे कि क्रिप्टो पे भी ऑलरेडी हिमाचल पुलिस कार्रवाई कर रही है। लोगों से यही अपील है कि इस तरह से इजी वे मत ढूंढें आप अपना कमाई को डबल करने का या कमाई को बढ़ाने का। जो नॉर्मल हमारे बैंकिंग इंस्टीट्यूशन हैं, RBI गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन हैं, वहीं पर अपना पैसा रखें, वही सेफ है। यही अभी कुछ दिन पहले सर योनो के चक्कर में भी कुछ लाखों की ठगी हुई थी, क्या कहेंगे सर? जी, मैं जैसे कि आपको बता रहा हूँ, हम साइबर में भी साइबर अपराध जो है आज की श्रेणी में सबसे चैलेंजिंग अपराध होता जा रहा है और ये व्यक्ति जो है जो पढ़े लिखे लोग हैं उन्हीं को टारगेट कर रहे हैं जिनके पास पैसा है। साथ ही साथ जो मैं बता रहा हूँ, कोई एक दूसरे को देख के जब हमें लगता है कि उसको इतने की लॉटरी लग गई है या वो ड्रीम इलेवन पे इतना जीत गया है, तो लोग आपस में बात करके जो है इसमें भी इन्वेस्टमेंट्स बढ़ाए जा रहे हैं। और इजी प्रे है बेसिकली, जब आपको बताया जाता है कि आपके पैसा ऐसा हो जाएगा, तो सभी इन चीज़ों में सावधानी बरतनी चाहिए। हमें डबल ये श्योर होना चाहिए कि इस तरह की स्कीम है। अच्छा, एक चीज़ और, मैं कल भी हमारे पास कुछ कंप्लेंट आई है, उसमें हमने देखा कि अच्छे अच्छे लोग अगर इन्वेस्ट कर देते हैं तो उनका नाम लेके लोग औरों को भी इन्फ्लुएंस करते हैं कि जी उनका उन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया, उन्होंने ये किया। तो लोगों को इस झांसे में नहीं आना चाहिए। मूर्ख और फ्रॉड में मतलब कोई भी फंस सकता है, कोई भी मूर्ख बन सकता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। सिटी चैनल के लिए धर्मशाला से रिपजित निपी की रिपोर्ट।